नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। अगर आप आदि कैलाश यात्रा जाने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। समुद्र तल से लगभग 5,945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश भारत के उत्तराखंड राज्य में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में चीन सीमा के नजदीक है। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध ओम पर्वत भी है। आदि कैलाश देखने में बिल्कुल कैलाश की तरह दिखता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरह ही आदि कैलाश यात्रा भी रोमांच और खूबसूरती से भरी है। आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है और अगर पौराणिक मान्यताओं को देखें तो उनके हिसाब से आदि कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है और आदि कैलाश के पास ही पार्वती सरोवर है। कहा जाता है कि माता पार्वती इस सरोवर में स्नान के लिए आती थी। इस साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि कैलाश दर्शन और पार्वती सरोवर मंदिर की यात्रा करने से पिथौरागढ़ जिले में स्थित इस शिव धाम की देश और दुनिया में व्यापक ब्रांडिंग हुई है। भविष्य में इस स्थल की तेजी से विकसित होने की आशा जगी है क्योंकि इस क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों को आधारभूत सुविधाएं देने के लिए व्यापक कार्य शुरू हो गए हैं। अब इस यात्रा के बारे में सूचना विभाग के पूर्व अपर निदेशक डॉक्टर अनिल चंदोला ने हमें इसकी पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कैलाश के प्रवेश द्वार गुंजी गांव में शिव धाम बनाने की योजना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसके लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए हैं। शिव धाम में भव्य स्मारक बनाने के साथ ही यात्रियों के लिए यहां होटल, रेस्टोरेंट, ध्यान और योग केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। इस स्मारक में फोटो गैलरी, म्यूजियम और शिव की भव्य मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। गुंजी से बाईं ओर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर आदि कैलाश और दाईं तरफ लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ओम पर्वत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी यही रास्ता है और साल 2019 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ धारचूला लिपुले से होकर चलती थी। राज्य सरकार द्वारा वायुसेना के साथ समन्वय कर 2018 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों को पिथौरागढ़ से हेली सेवा के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराई गई थी। 2019 के बाद इस मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद होने से अब यात्री भारी संख्या में आदि कैलाश की यात्रा पर जा रहे हैं। ये जो यात्रा है ये अप्रैल मई से अक्टूबर तक चलती है और इस साल 13,000 से अधिक यात्रियों ने आदि कैलाश की यात्रा की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरह ही आदि कैलाश यात्रा का भी अपना अलग महत्व है। यहाँ पंच कैलाशों में एक कैलाश है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये आदि कैलाश और ओम पर्वत को बहुत पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को कैलाश मानसरोवर यात्रा के बराबर का महत्व भी दिया गया है। आदि कैलाश की यात्रा के लिए हल्द्वानी, काठगोदाम, अल्मोड़ा से होकर या तो आप पिथौरागढ़ या फिर टनकपुर चंपावत से होकर पिथौरागढ़ आना पड़ेगा। यहाँ से धारचूला जाते हैं और यहाँ से गुंजी की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है। गुंजी से ही आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा आगे बढ़ती है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें इनर लाइन में हैं तो इसी की वजह से यहाँ यात्रा पर आने से पहले SDM कार्यालय धारचूला में स्वास्थ्य परीक्षण होता है जिसके बाद एक परमिट जारी होता है जिससे आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि विदेशों के लिए यहाँ ये परमिट नहीं दिया जाता। धारचूला से उच्च हिमालय क्षेत्र की अद्भुत रोमांचक कारी यात्रा शुरू होती है। छिया लेक में स्थित ITBP की चेक पोस्ट पर यात्रियों के परमिट की जाँच कर ही यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाती है। अब छिया लेक से सड़क बिल्कुल नीचे पाताल की तरफ जाती है और सारे अनेकों मोड़ से गुजरने के बाद ब्यास घाटी के गर्भियांग, बूंदी, गुंजी, नाभी, कुटी, नपलच्यू आदि गांव आते हैं। ब्यास घाटी में अंतिम गांव कुटी है। शीत ऋतु में इन गांव के निवासी धारचूला चले जाते हैं। गुंजी नपल्यू में काला पानी का संगम कुटी नदी से होता है। यहाँ की स्थानीय भाषा में अगर नदी का नाम ले तो उसे यंगती कहते हैं। गुंजी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर नाभी गांव है। यहाँ कहीं होम स्टे आपको मिल जाएंगे और इस गांव में एक 200 साल पुराना ऐतिहासिक मकान आज भी सुरक्षित है। आदि कैलाश की यात्रा के लिए घाटी के आखिरी गांव कुटी से बर्फीले मार्ग से आगे बढ़ते हुए 4,572 मीटर की ऊंचाई पर ज्योतिलीकांग आता है जहाँ से बिल्कुल सामने आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। हिमाचित चोटियों के माध्यम में भगवान शिव का यह धाम छोटा कैलाश अद्भुत है। ज्योतिलीकांग में सेना का शिविर है जो आदि कैलाश आने वाले यात्रियों को मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ अन्य और भी बहुत सारी चीज़ों उपलब्ध करा सकता है। ज्योतिलीकांग का तापमान 0 डिग्री से हमेशा नीचे रहता है। ज्योतिलीकांग से ट्रैकिंग करते हुए लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर
पार्वती सरोवर है, इसके पास ही एक मंदिर है। पार्वती सरोवर का पानी बिल्कुल साफ रहता है। इसके पास ही गोरी कुंड भी है और पार्वती कुंड उच्च हिमालय क्षेत्र में 4497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता पार्वती ने शिव की आराधना की थी। पार्वती मंदिर कुंड से बिल्कुल सामने आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। आदि कैलाश की यात्रा कुछ समय पहले तक एक कठिन यात्रा थी। पैदल मार्ग और ट्रैकिंग के द्वारा यात्री इस यात्रा का आनंद लेते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और अब इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा चुका है। आदि कैलाश यात्रा को और बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। भविष्य में नैनीसेना हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ के क्रियाशील हो जाने तथा धाराचूल से ज्योतलीकांग और सड़क सुविधा बेहतर करने के लिए आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होने के पूरे पूरे आसार हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस यात्रा पर जाते हैं तो आपको ये जानकारी जरूर कहीं ना कहीं मदद करेगी। नमस्कार।